All right, friends. So now we are starting a very, very important one, and this is your chapter 10 and unit 3. Unit 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं? Management of inventory. अब जिन लोगों ने costing कर रखा है, वो लोग तो अभी नाचने लगेंगे, right? जिन लोगों ने costing कर रखा है, वो नाचने लगेंगे, हाँ? वो तो बोलेंगे, हाँ? कैसे मोम की मोम होती है नानी? Life के लिए जरूरी है पाने ऐसे costing में professor दानी. This is DKC and DKC आपका registered, right? All my students are brand ambassador of दानी की costing, right? So जैसे मोम की मोम होती है नानी, life के लिए जरूरी है पानी, ऐसे costing में professor दानी. क्योंकि chapter 10 का third जो है वो आप लोग नाचने लगोगे. क्यों? क्योंकि ये costing का मैंने आपको सिखाया था material topic में. material topic में क्या था आपका? EOQ, याद है? बोलो EOQ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म लिख के बताओ. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. इट इज ए क्वांटिटी वेयर योर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम. इट इज ए क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ EOQ इज व्हाट? बोलो EOQ इज व्हाट? योर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल. इट इज ए क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज बोलो मिनिमम. ओके, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? एक आपका परचेज कॉस्ट, याद आ रहा है? एक आपका आएगा परचेज कॉस्ट. परचेज कॉस्ट मीन्स योर परचेज क्वांटिटी इंटू रेट. देन आपका आएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट. और थर्ड आपका आएगा बोलो कैरिंग कॉस्ट, याद आ रहा है कि नहीं? कैरिंग कॉस्ट डिवाइड इनटू एक स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है? और दूसरा आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. परचेज कॉस्ट मींस व्हाट? परचेज क्वांटिटी इनटू रेट. परचेज क्वांटिटी मींस कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. कंजम्पशन मींस प्रोडक्शन इनटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड. प्रोडक्शन मींस सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? बोलो याद है? EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसमें था? मटेरियल में. टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्या रहेगा? मिनिमम. टोटल कॉस्ट डिवाइड इन थ्री, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. परचेज कॉस्ट मीन्स परचेज क्वांटिटी इंटू रेट. परचेज क्वांटिटी मीन्स कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल. कंजम्पशन मीन्स प्रोडक्शन इंटू रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड. प्रोडक्शन मीन्स सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स. ये बजटरी कंट्रोल में भी बताया था आपको, याद है? याद आ रहा है कॉस्टिंग? स्टोरेज कॉस्ट एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. जरा ध्यान से सुनना कंसेप्ट को, एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ, राइट? सपोज मामा आपको पूछती है, जानी सर ने कौन सा टॉपिक सिखाया है? कि मामा आज सिखाया मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री. क्या सिखाया? मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री. ओके, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री ये किस में है? ये आपका यूनिट थ्री किसका? चैप्टर टेन कौन सा था आपका? वर्किंग कैपिटल. सो वर्किंग कैपिटल चैप्टर टेन का यूनिट थ्री का मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री. सही है? सुनो फ्रेंड, याद आ रहा है आपको? इसी को अपन क्या बोलते थे? कॉस्टिंग बोले तो दानी की कॉस्टिंग रजिस्टर्ड. कौन से टॉपिक में आता था? मटेरियल टॉपिक में. बहुत सारे सम्स आपको कराए थे ये मैंने, ठीक है? उसी को अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से. ओके फ्रेंड्स, बोलो क्लियर? उसी को हम लोग प्रॉपरली रिवाइज कर लेते हैं. याद आ रहा है आप लोगों को? बोलो यस और नो.
ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मम्मा आज आपसे पूछती है कि कौन सा टॉपिक सिखाया सर ने, बोले मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंटरी, थ्री पार्ट्स में कोई भी टॉपिक को डिवाइड करने का, पहला बोलो योर प्रेपरेशन, दूसरा रिवीजन, थर्ड हाउ टू अटेम्प्ट इन एग्जाम। प्रिपरेशन डिवाइड इन टू, व्हाट इज टॉपिक इटसेल्फ एंड सेकंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इन डे टू डे लाइफ, तो डे टू डे लाइफ वाले पार्ट में मम्मा आपको पूछती है कि बेटा आज क्या सिखाया, बोले मम्मा देखो व्हाट इज योर एनुअल कंजम्पशन ऑफ सुगर, एनुअल कंजम्पशन ऑफ सुगर, मम्मा बोलती है 120 केजी पर एनम। मम्मा आपसे पूछती है सर ने आज क्या सिखाया, बोले सर ने आज सिखाया मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, मीन्स हमको कौन सा मटेरियल, कितना मटेरियल, कितना खरीदना चाहिए, ओके। और मम्मा ने भी इंटरमीडिएट तक कॉस्टिंग अपने से ही पढ़ा हुआ है, राइट। अब मम्मा बोलती है अच्छा ठीक है बता अपने घर का एनुअल कंजम्पशन है शुगर का 120 केजी। अब मम्मा के पास दो ऑप्शन है, या तो मम्मा 10 केजी में परचेज कर सकती है या मम्मा 20 केजी परचेज कर सकती है। इनको हम बोलेंगे ऑर्डर एंड साइज, इसको क्या बोलेंगे ऑर्डर साइज, या तो 10 केजी का एक ऑर्डर साइज है या 20 का। एक बार ऑर्डर करने का दे लीजिए ऑर्डरिंग कॉस्ट, बराबर लोकल बनिया को मम्मा फोन करेगी, फोन करके बोलेगी भैया शक्कर चाहिए 10 केजी, ये एड्रेस है, तो हमको कितना 1 रुपी ऑर्डरिंग कॉस्ट लग जाता है। आपको ये एग्जाम में देख के रखेगा कि व्हाट इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर यहाँ पे मैं ऐसे ही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता देता हूँ 1 रुपीज पर ऑर्डर। लोकल बनिया बोलता है अगर आप 10 केजी खरीदेंगी तो प्राइस है 20 रुपीज पर केजी, अगर आप 10 केजी खरीदेंगी तो प्राइस क्या है 20 रुपीज पर केजी, अदरवाइज मैडम प्राइस है 19 रुपीज पर केजी, 20 केजी के लॉट पर दे दीजिए डिस्काउंट ऑफ 1 रुपीज पर केजी। मम्मा बोली ऑल राइट, इसका मतलब मम्मा के पास दो ऑप्शन है 10 केजी और 20 केजी। अगर मम्मा, अब जरा ध्यान से सुनना, थर्ड आपका आता है इसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट मींस योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड योर स्टोरेज कॉस्ट, योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड योर स्टोरेज कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स वॉट, अगर आपने 10 केजी शुगर परचेज किया एट द रेट ऑफ 20, आपका 200 रुपये ब्लॉक हो गया शुगर में। एंड सपोज अगर आप ये शुगर नहीं खरीदते और इस पैसे को अगर मम्मा बैंक में डिपॉजिट करती तो मम्मा को कितना बैंक इंटरेस्ट मिलता, बैंक इंटरेस्ट मिलता सपोज से 10% पर एनम, तो ये आपका क्या हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट कॉस्ट आपका क्या हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या आपका खुद का पैसा है तो यू आर लूजिंग द अपॉर्चुनिटी, अगर आपने लोन ले रखा है तो यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। आर यू फॉलोइंग नोट। सेकेंड, इन मुंबई द प्लेसेज आर वेरी कॉस्टली, मम्मा ये 10 केजी का बॉक्स लाके घर में रखती है, अगर घर भाड़े का है तो उस पर रेंट लगेगा, जगह का रेंट लगेगा ना, इन मुंबई द प्लेसेज आर वेरी कॉस्टली, तो आपको जाके रखना पड़ेगा 10 केजी, बराबर है 10 केजी आपको लगेगा, ठीक है, और 10 केजी 10 केजी रेंट लगेगा, अगर घर का घर है तो म्यूनसिपल टैक्स लगेगा, उसका इंश्योरेंस लगेगा, सब लगेगा ना। सेम एग्जाम्पल एप्लीकेबल इन कंपनी, ओके। तो पहले एक एक पॉइंट ले लीजिए, मम्मा क्या बोलती है कि माई एनुअल कंजम्पशन ऑफ शुगर इज 120 केजी पर एनम, मैं अगर 10 केजी खरीदती हूँ तो 20 रुपीज पर केजी लगेगा, 20 केजी खरीदती हूँ तो 90 रुपीज पर केजी, 10 केजी 20 केजी इज माई ऑर्डर साइज, ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक बार बनिया, लोकल बनिया को
फ़ोन करके बोलती हूँ कि भैया 10 केजी शुगर भेजो, तो 1 रुपी कॉल, एक कॉल का लगता है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, वो आपको एग्जाम में देके रखेगा। कैरिंग कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, 10 केजी एट द रेट ऑफ 20, 200 रुपीज़ ब्लॉक हो गया। अगर ये पैसा हम ब्लॉक नहीं करते तो हम लोग परचेज कर लेते थे, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट मीन्स रेंट है, अगर रेंटेड प्रोमाइसेज है, इंश्योरेंस है, टैक्सीज है, आपका डेप्रिसिएशन है, सब मिला के हो जाएगा, बराबर। द सेम चीज यू कैन अप्लाई टू द कंपनी, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद यू कैन अप्लाई टू द कंपनी। मम्मा आपको ये पूछ रही है कि मुझे 10 केजी खरीदना चाहिए या मुझे 20 केजी खरीदना चाहिए, मुझे 10 केजी खरीदना चाहिए या मुझे 20 केजी खरीदना चाहिए। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, सपोज दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको क्या बोला फ्रेंड्स, कैरिंग कॉस्ट मैंने आपको बोला, सपोज मिला के आपका आ रहा है 10% पर केजी एंड पर एनम, 10% पर केजी पर एनम मेरा कैरिंग कॉस्ट आता है, 10% पर केजी पर एनम। ये सारी इंफॉर्मेशन इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम आपको देके रखेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, आप पूरे टॉपिक के इम्पोर्टेंस को समझिए, बराबर। मम्मा बोलती है मेरे घर का एनुअल कंजम्पशन इज 120 केजी, 10 केजी एट द रेट ऑफ 20, अगर मैं 20 केजी खरीदती हूँ तो एट द रेट ऑफ 19, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर साइज, मीन्स इतना 10 केजी या 20 केजी एट ए टाइम आपको खरीदना ही पड़ेगा, एक बार का ऑर्डरिंग कॉस्ट 1, वो एग्जाम में देकर रखेगा। कैरिंग कॉस्ट 10% पर एनम पर केजी, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, रखने का कॉस्ट, कंपनी का रखने का कॉस्ट, घर में रखने का शुगर का कॉस्ट, प्लस आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि आपने शुगर खरीदी आपका पैसा चला गया। अब आप आ जाइए, वेरी सिंपल, दिस इज स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट, पहला ऑर्डर साइज, पहला आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बोलो ऑर्डर साइज, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, बराबर। ऑर्डर साइज, या तो मम्मा खरीद सकती है 10 केजी या मम्मा खरीद सकती है 20 केजी, बराबर। अगर मम्मा 10 केजी खरीदती है तो प्राइस 120 × 20 2400, अगर मम्मा खरीदती है 20 केजी एट ए टाइम, इट मीन्स प्राइस 19 रुपीज़ पर केजी, राइट, आपका प्राइस हो जाएगा 19 रुपीज़ पर केजी, सही आंसर नो फ्रेंड्स, आर यू फॉलोइंग ऑन ऑन, ऑलराइट फ्रेंड्स। नाउ 120 × 19 रुपीज़ पर केजी इज 2280 ऑर्डरिंग कॉस्ट, आप पूरे साल में कितना खरीद रहे हैं, 120 केजी, हर बार कितना खरीदेंगे 10, इट मीन्स आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 12 × 1 = 12 रुपीज़, याद आ रहा है कि नहीं, यस लिखो, 120 एट ए टाइम कितना खरीदेंगे, 20 × 1 आपका कितना आएगा, 6। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने कितनी बार आपको बताया था, कैरिंग कॉस्ट, सपोज आप 10 केजी आप हर महीने खरीदते हो, इसका मतलब 1 जनवरी को आपने 10 केजी खरीदा, बराबर, लेकिन 31 जन को आपके पास बैलेंस क्या बचेगा, ये तो 10 केजी था, यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा, 0। तो आप कैरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इंस्टीट्यूट बोलता है स्टार्टिंग में आपके पास 10 था, एंड में आपके पास 0 हो गया, इसका मतलब 10 + 0 / 2, इट मीन्स ऑन एन एवरेज आपका कितना रहा, 5 केजी,
इसके लिए हम अपन क्या करते हैं, एवरेज। एवरेज मीन्स हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज। हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज मीन्स 10। 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 5 हो गया। ऐसे ही हाफ ऑफ 10 करेंगे तो 5, हाफ ऑफ 20 करेंगे तो 10 इंटू व्हाट इज द रेट, द रेट ऑफ मटेरियल सपोज 20 रुपीज, द रेट ऑफ मटेरियल इज 19 रुपीज, इंटू व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट 10%। 10% ले लीजिए, ओके। इट मीन्स 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 इंटू 10% इज 10 रुपीज। देन 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 19 इंटू 10% आपका क्या हो जाएगा, 19 रुपीज। इज दिस क्लियर और नॉट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे से बहुत इवन सी ए फाइनल स्टूडेंट पूछते सर वाई वी आर टेकिंग एवरेज कॉस्ट। इट मीन्स देखो, फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने 10 केजी खरीदा, स्टार्टिंग में कितना खरीदा 10 केजी, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड क्या हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब एवरेज स्टॉक आपके पास क्या रहा, 5 केजी। एवरेज स्टॉक आपके पास क्या रहा, 5 केजी। इट मीन्स द टोटल इज 2400 प्लस 12 प्लस 10, आपका मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया 2422। ये हो गया 2280 प्लस 6 प्लस 19, आपका क्या हो जाएगा 2305। इसका मतलब यू शुड परचेज 10 केजी, सॉरी यू शुड परचेज 20 केजी एट ए टाइम। यू शुड परचेज 20 केजी क्योंकि यहां पे आपका मिनिमम कॉस्ट आ रहा है। सही आंसर नो फ्रेंड, या तो आप 10 केजी खरीदो एक ऑर्डर साइज है, या 20 केजी खरीदो, दोनों में खरीदो। 20 के 120 केजी पूरे साल में खरीदना है, यहाँ पे 20 रुपीज पर केजी है, यहाँ पे 19 है, ये 2400 या 2280। यहाँ पे 120 10 केजी एट ए टाइम आप ले रहे हो, इसका मतलब कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 12 इंटू 1 12 रुपीज। 120 डिवाइडेड बाई 20 इज 16 रुपीज। हाफ वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बोलो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2 इट मीन्स 5 केजी। तो कभी भी आपको कैरिंग कॉस्ट स्टोरेज कॉस्ट निकालना है तो हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज इंटू रेट ऑफ मटेरियल इंटू दिस, यहाँ पे आ रहा है 2305। इसका मतलब मम्मा शुड परचेज 20 केजी एट ए टाइम। मम्मा को कितना खरीदना पड़ेगा, 20 केजी एट ए टाइम। ये हमारा चल रहा है ट्रेडिशनल मेथड। ये हमारा क्या चल रहा है, ट्रेडिशनल मेथड। एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, ये हमारा चल रहा है क्या, ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से अब इसी में प्रॉब्लम क्या आता है, इसी को अगर अपन कंटिन्यू करें, ठीक है, अभी इसी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो कैसे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा इसमें ट्रिकी डालता हूँ, बराबर, थोड़ा सा ट्रिक यूज करते हैं इसके अंदर, और ईच एंड एवरी पार्ट को हम क्या करेंगे, वी कैन वेरीफाई ईच एंड एवरी पार्ट। ठीक है, सपोज सब कुछ आपका एज इट इज है, लेकिन जो आपका बनिया है लोकल बनिया, ही इज सेइंग कि नहीं आई विल नॉट गिव यू एनी डिस्काउंट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज यू परचेज, बट यू हैव टू पे मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज यू परचेज। एनुअल कंजम्पशन हमारा 120 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा, एनुअल कंजम्पशन हमारा 120 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारा 1 है, कैरिंग कॉस्ट हमारा 10% है। पर यहाँ बोलता है कि वॉट एवर यू वॉन्ट टू परचेज बट यू हैव टू पे 20 रुपीज पर के जी, यू हैव टू पे 20 रुपीज पर के जी एज ए मेटेरियल। आपको मुझे क्या पे करना है, 20, वॉट एवर क्वांटिटी यू परचेज यू हैव टू पे मी 20 रुपीज पर के जी। आपको जो क्वांटिटी खरीदना है आप खरीदिए, लेकिन यू हैव टू पे मी 20 रुपीज पर के जी, यू हैव टू पे मी 20 रुपीज पर के जी। अब आप क्या करेंगे, अगर आपका ऑर्डर साइज छोटा होगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, राइट, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपका कैरिंग कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगा, बराबर। अगर आपका ऑर्डर साइज बड़ा है तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा। अब हम क्या करें, तो इसके लिए प्रोफेसर विलियम्स का जन्म हुआ। तो प्रोफेसर विलियम्स ने आपको एक फॉर्मूला दिया था, याद है, इसे रिविजन लेक्चर, इट मीन्स ई ओ क्यू
2AO डिवाइडेड बाय C, बोलते रहिए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 2AO डिवाइडेड बाय C, 2AO डिवाइडेड बाय C, A फॉर एनुअल कंजम्पशन, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट, याद आ रहा है? C फॉर कैरिंग कॉस्ट. लेकिन दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल इफ द प्राइस ऑफ मटेरियल इज कॉन्स्टेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, इंटरेस्ट कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट. ये प्राइस ऑफ द मटेरियल, प्रोफेसर विलियम्स क्या बोलता है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली इफ द प्राइस ऑफ मटेरियल इज कॉन्स्टेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, कैरिंग कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ कैरिंग कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, पर ऑर्डर का कॉस्ट इज कॉन्स्टेंट, रेट ऑफ मटेरियल इज कॉन्स्टेंट, देन ओनली दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल. यहां पे तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है. इसका मतलब 2AO, 2A, A फॉर एनुअल कंजम्पशन, O फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड C फॉर कैरिंग कॉस्ट, 10% ऑफ 20 इज 2 रुपीज. इट मीन्स 2 इंटू 120 डिवाइडेड बाय 2 एंड रूट किया तो 10.95 केजी. इफ यू परचेज 10.95 केजी एट ए टाइम, आपको क्या आएगा फ्रेंड्स? मिनिमम कॉस्ट. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इट इज ए क्वांटिटी वेयर योर टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम. ये बोलता है कि ये मेरा गारंटी है कि अगर आप 10.95 केजी मटेरियल एट ए टाइम परचेज करते हो, 10.95 केजी मटेरियल अगर एट ए टाइम परचेज करते हो, तो इट्स माय गारंटी टू यू, आपको जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा? मिनिमम आएगा. आपको जो कॉस्ट आएगा वो क्या आएगा? मिनिमम आएगा. सही है सुनो फ्रेंड्स, हाउ यू कैन वेरीफाई योर आंसर, कैसे? दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग मटेरियल कॉस्ट, ऑर्डर साइज, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट. अब देखो 10.95 आप बोल रहे हो, राइट? दिस इज ऑर्डर साइज, बराबर आप बोल रहे हो 10.95. मैं आपको बोलता हूँ एक 10 केजी ले लो और एक आप 20 केजी ले लो, ये तीनों में सबसे कम कॉस्ट आपको कहाँ पे आएगा? 10.95. दिस इज माय गारंटी टू यू. मैं आपको जादू दिखाता हूँ, दिस इज माय गारंटी टू. तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कॉस्टिंग का बहुत यूज है. FM ट्यूटर को कॉस्टिंग का नॉलेज नहीं है, नहीं है, नहीं है. कॉस्टिंग का नॉलेज बहुत जरूरी है सीखने के लिए. ओके, कितना खरीदना है पूरे साल में? 120 120 120. व्हाट इज द प्राइस ऑफ मटेरियल? 20 20 20. बनिया बोलता है कितना भी खरीदो, मैं आपसे प्राइस सेम लूंगा. 120 इंटू 20 इज 2400, 2400 एंड 2400. आप कोई भी क्वांटिटी खरीदिए, आपको प्राइस क्या देना है? 2400. देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, अब आपको कितने ऑर्डर देने पड़ेंगे? इसका मतलब 120 डिवाइडेड बाय 10.95 इंटू 1, 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1 एंड 120 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 1, 120 डिवाइडेड बाई 10.95 इंटू 1, आपका क्या आएगा? 10.95 विल बी योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. यहाँ पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा 12, यहाँ पे आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा 6. फिर मैंने आपको क्या बताया था, बोलो? फिर मैंने आपको क्या बताया था? कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट में हमेशा क्या लेंगे? कैरिंग कॉस्ट में हमेशा क्या लेंगे? हाफ, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, हाफ, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज, हाफ, हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज. व्हाट इज द ऑर्डर साइज? 10.95, दिस इज 10, दिस इज 20, इंटू व्हाट इज द रेट ऑफ मटेरियल? 20, इंटू व्हाट इज द परसेंटेज? 10%, 10%. ठीक है, इट मींस 10.95 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 इंटू 10% इज 10.95. देन 10 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 इंटू 10% क्या आएगा? 10. देन 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 इंटू 10% इज 20.
अभी आपका क्रैश कोर्स भी मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ, क्रैश कोर्स भी आप जरा देख लेना, उसका बुक्स आपको मैं फ्री में दे दूंगा, राइट। सॉफ्ट कॉपी आपको इंटरमीडिएट का बुक्स का सॉफ्ट कॉपी आपको फ्री में मिल जाएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपको लगे वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग आपका चार्जेबल रहेगा, ठीक है। इसका मतलब 2400 + 10.95 + 10.95 2421.9, ये पहले का आंसर। दूसरा 2400 + 12 + 10, ये आपका आएगा 2422। फिर आपका आएगा 2400 + 6 + 20 = 2426। मैंने आपको क्या बोला था, सबसे कम कॉस्ट कहाँ पे आएगा, दिस। सबसे कम कॉस्ट आपका कहाँ पे आएगा, दिस। और ध्यान रखना क्यों कॉस्ट कम आ रहा है, क्योंकि अगर 10.95 है, अगर 10.95 अगर आपका ऑर्डर साइज छोटा है तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, कैरिंग कॉस्ट कम होगा। अगर आपका ऑर्डर साइज छोटा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, कैरिंग कॉस्ट कम होगा। अगर आपका ऑर्डर साइज बड़ा है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप ईओक्यू फॉलो करते हो, अगर आप विलियम्स का, इफ यू आर फॉलोइंग विलियम्स का ईओक्यू, तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड आपका कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, एग्जैक्टली सेम। एंड दिस इज द वेरिफिकेशन, सही या सुनो फ्रेंड। यही चीज जब आप फाइनल सी में आएंगे तो आपको आता है जस्ट इन टाइम, JIT, क्या बोलेंगे उसको, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, JIT, जस्ट इन टाइम। आपको थ्योरी में आ सकता है ये कॉन्सेप्ट, जस्ट इन टाइम में वो बोलता है कि भाई आपको 10 kg 10.95 भी क्यों खरीदने का, जितना आपको जरूरत है आप उतना ही खरीदिए, राइट। एग्जैक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर कंजम्पशन, उतना ही आपको खरीदना। अगर आप रिक्वायरमेंट ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से खरीदेंगे तो आपका स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं लगेगा, आपका स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, और आपका पैसा भी उसमें ब्लॉक नहीं होगा मटेरियल में, तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके भी डिसएडवांटेज है, आपको मटेरियल महंगा मिलेगा, देयर इज ए हाई इंस्पेक्शन कॉस्ट, आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हाई इंस्पेक्शन कॉस्ट लगेगा आपको, मटेरियल महंगा मिलेगा आपको। कभी आपने ऑर्डर प्लेस किया और सामने वाले ने बोल दिया कि नहीं मटेरियल नहीं है। अब आप एक एग्जांपल लीजिए, आपके घर पे आपकी सिस्टर को देखने के लिए कोई लड़के वाले आए, और यू आर वर्किंग ऑन जस्ट इन टाइम, आपकी सिस्टर के लिए, रिश्ते के लिए कोई घर पे आए हुए लोग, राइट, एंड आप जो वर्क कर रहे हैं, दैट यू आर वर्किंग एज पर लाइक यू नो दानी की कॉस्टिंग, यू आर फॉलोइंग जस्ट इन टाइम सिस्टम, कि भाई जितना जरूरत है उतना ही आप शुगर एवरीडे परचेज करते हो। आपने शुगर का ऑर्डर किया एंड लोकल बनिया आपको बोलता है नहीं शुगर आउट ऑफ, इसका मतलब घर पे जो रिश्तेदार हैं वो क्या सोचेंगे, देखो ये भिखारी दानी की कॉस्टिंग फॉलो करता है, इनके घर में शुगर भी नहीं है, तो स्टॉक आउट हो सकता है, तो कस्टमर नाराज हो सकता है। यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा फाइनल सीए में है आपको जस्ट इन टाइम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के साथ, केस स्टडीज के साथ वो सिखाऊंगा आपको करके, ना आर यू फॉलोइंग ऑन। तो आपका अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर कंप्लेंट कॉस्ट होगा करके, ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका मटेरियल का प्राइस कॉन्स्टेंट है देन ओनली यू कैन अप्लाई ईओक्यू विलियम्स ईओक्यू। तो विलियम्स ईओक्यू कब अप्लाई होगा, मटेरियल का प्राइस कॉन्स्टेंट होना चाहिए, कैरिंग कॉस्ट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, राइट, एंड आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पर ऑर्डर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तब जाके आप ये काम कर पाएंगे। आर यू फॉलोइंग नोट। तो और डिटेल मैंने आपको कराया था, जो लोगों ने मेरे से कॉस्टिंग अटेंड किया है, मटेरियल टॉपिक आप बराबर से देख लीजिए, रिकलेक्ट कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। बट हाँ, विलियम्स का ये गारंटी है, वेरिफिकेशन क्या है कि सबसे मिनिमम कॉस्ट विलियम्स का ईओक्यू पे आएगा, और हियर योर कैरिंग कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर कैरिंग कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट।
कैरिंग कॉस्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. अगर आपने इससे थोड़ा भी इधर उधर डाला आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा, गारंटी है आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा. अब जरा आप देख लीजिए इलस्ट्रेशन 12, आप जरा देखिए, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ. इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 10.20. इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 10.20. मैं आपको इसके तीनों जो इलस्ट्रेशन है वो तीनों आपको करवा देता हूँ, राइट. 10 ये अपना 12, 13, 14 तीनों आपको करा देता हूँ. बहुत अच्छे अच्छे हैं, देख लीजिए ना फ्रेंड्स. 12 पहले देख लीजिए, इलस्ट्रेशन 12 पेज नंबर 10.20 सही है. सुनो फ्रेंड, देखो क्या बोल रहे हैं. ए कंपनी रिक्वायरमेंट फॉर 10 डेज आर 6300 यूनिट. द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 10 एंड द कैरिंग कॉस्ट इज 0.26. यू आर कैलकुलेट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मैंने क्या बताया था, ईओक्यू में आपका क्या होगा, इफ द मटेरियल कॉस्ट इज कांस्टेंट, यस. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज कांस्टेंट, यस. कैरिंग कॉस्ट, यस. परसेंटेज इज कांस्टेंट. तो क्या होगा आपका, 2AO/C. ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल. ए फॉर एनुअल कंजम्पशन. व्हाट इज योर एनुअल कंजम्पशन की जगह इन्होंने टोटल कंजम्पशन दे रखा है 6300 यूनिट्स. जरूरी नहीं है कि पीरियड एनुअली हो, कोई भी पीरियड हो सकता है ये, ठीक है. नॉर्मली हम कंपनीज के लिए एनुअली निकालते हैं, राइट. देन आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10 रुपीज पर ऑर्डर. मैंने आपको बताया ना, देख के रखेगा एग्जाम में. एंड कैरिंग कॉस्ट है आपका 0.26 पर यूनिट. इट मीन्स 2A/6300 × 10/0.26 कर लीजिए, आपका क्या आएगा, 2×6300×10/0.26 एंड दिस कम्स टू 696.14 और यू कैन से 700 अप्रोक्सीमेट. सही आंसर ऑफिस. अगर आप यही क्वांटिटी लेते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आपका क्या रहेगा, मिनिमम. अगर आप ये क्वांटिटी लेते हैं तो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट क्या रहेगा, मिनिमम. पूछा नहीं है लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ. दिस इज माई वेरिफिकेशन. एग्जाम में नहीं पूछा है लेकिन मैं आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ, बराबर. ये आपका ऑर्डर साइज, ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये आपका कैरिंग कॉस्ट, ये आपका टोटल कॉस्ट, बराबर. ये बोल रहा है 696.14. मैं आपको बोलता है 600 ले लीजिए और एक इससे बड़ा 800 ले लीजिए, राइट. ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 6300/696.14 × 10 6300/600 × 10 6300/800 × 10 कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ द ऑर्डर साइज 696.14 600 एंड 800. एक ऑर्डर का कॉस्ट है, नहीं कैरिंग कॉस्ट गलत थी, हाँ ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका बराबर है इस 10 एंड कैरिंग कॉस्ट आपका है 0.26. सही है सर फ्रेंड्स. इट मींस 6300/696.14 × 10
इज 90.49, ठीक है, 696.14 इंटू 0.26 डिवाइडेड बाई 2, 90.49, 6300 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 10 इज 105, 600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.26 इज 78, 6300 डिवाइडेड बाई 800 इंटू 10 इज 78.75 एंड 800 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.26 इज 104. इट मीन्स 90.49 प्लस 90.49 इज 180.49. 105 प्लस 78 इज 183, ठीक है, 104 प्लस 78.75 इज 182.75. सबसे कम कॉस्ट आपका कहाँ आ रहा है फ्रेंड्स, बोलो, सबसे कम कॉस्ट आपका आ रहा है यहाँ पे ईओक्यू में. और मैंने आपको क्या बताया था, एट ईओक्यू योर ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड योर कैरिंग कॉस्ट विल बी एग्जैक्टली सेम. ये वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन आपको समझने के लिए, कल को अगर आपको प्रोफेसर बनना है, ओके, तो आप ये कर सकते हैं. इज दिस क्लियर ऑर नॉट फ्रेंड्स? परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपका क्या हो जाएगा, 90.49, ये सबसे मिनिमम कॉस्ट आपको आएगा, सबसे मिनिमम कॉस्ट आपका आएगा 90.49 और ये 180.49. सही आंसर. वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में तो आपको सिर्फ इतना ही करके देना है ये, बट आपको नॉलेज के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं करके ना कि क्या हो सकता है. ओके, अब आप देख लीजिए आपका इलस्ट्रेशन 14, आप जरा देख लीजिए फ्रेंड्स, 10.21, पेज नंबर 10.21 देख लीजिए इलस्ट्रेशन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स. कंपनी इज ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एयर फिल्टर्स फॉर रिटेल स्टोर्स. इट बाइज इट्स फिल्टर्स फ्रॉम सेवरल मैन्युफैक्चरर्स. फिल्टर्स आर ऑर्डर्ड इन ए लॉट साइज ऑफ 1000 एंड ईच ऑर्डर कॉस्ट 40. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका 40, लॉट साइज ऑर्डर साइज इज ऑर्डर साइज इज 1000 ईच ऑर्डर. डिमांड फ्रॉम द रिटेल स्टोर इज 20,000 एनुअल. ये एनुअल की जगह आप डिमांड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आपका डिमांड मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, नॉर्मली एनुअली होता है. डिमांड्स 20,000, डिमांड 20,000 एंड कैरिंग कॉस्ट 0.10 ए फिल्टर पर मंथ. कैरिंग कॉस्ट 0.10 क्या हो जाएगा. कंप्यूटर ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट सो मेनी लॉट साइजेज. इट मीन्स ई ओ क्यू इज 2AO डिवाइडेड बाय सी. ए फॉर दिस इज 2, ए फॉर एनुअल कंजम्पशन, उसकी जगह जो भी टाइम पीरियड आपको दे रखा है, डिवाइडेड बाय 0.10 इंटू 40 and this comes to 20,000 into 2 into 40 divided by 0.10 ka aap root kariye, 20,000 into 2
into 40 divided by 0.10, yeah, and this comes to 4000 numbers. अगर आपको 20,000 खरीदना है तो 20,000 डिवाइडेड बाई 4000 आपके ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 5. सही आंसर नो फ्रेंड्स, आपके ऑर्डर कितने हो जाएंगे? 5. बोलिए यस और नो. ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर साइज आपका 1000, डिमांड 20,000. सी, ई ओ क्यू 2AO डिवाइडेड बाई सी. सही आंसर नो फ्रेंड्स. कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इफ कैरिंग कॉस्ट इज 0.05. इसकी जगह अभी कैरिंग कॉस्ट को क्या बोल रहा है? सब कुछ सेम है, कैरिंग कॉस्ट आपका चेंज हो जाएगा, राइट? आपका अगर कैरिंग कॉस्ट चेंज हो रहा है, कैरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? 0.05, तो डिवाइडेड बाय 0.05. बोलिए फ्रेंड्स. ओके, बाकी का आपका सब कुछ सेम है. कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी इफ द कैरिंग कॉस्ट इज 0.05 आई फिल्टर पर मंथ, राइट? इट मीन्स 2 × 20,000 × 40 डिवाइडेड बाई 0.05 अंडर रूट. इट मीन्स 5656.85 approximately say 6000, right? Okay, third में क्या पूरा कंप्यूटर है? ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी द ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 10. अब यहां पे उसने क्या बोला है, ये आप चेंज कर दो और ऑर्डरिंग कॉस्ट आप ले लो 10. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको क्या लेना है? 10. उसके बाद आपको बहुत ही एक बेहतरीन सम कराता हूं, राइट? ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट है 10, बराबर. ये आपका हो जाएगा 0.10. इट मीन्स 2 × 20,000 × 10/0.10. दिस कम्स टू 20,000 × 2 × 10/0.10 का रूट इज 2000. आपका क्या हो जाएगा बोलो? 2000. सही आंसर नो फ्रेंड्स. इसमें तीन ही इलस्ट्रेशन आपके दे रखे थे. ओके, तीसरा इलस्ट्रेशन बहुत ही अच्छा है और आप जरा प्लीज पे अटेंशन, तो आपको क्लियर हो जाएगा. एंड दिस इज योर इलस्ट्रेशन 13. बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, देखिए ना, पेज नंबर 10.20. इलस्ट्रेशन 13, पेज नंबर 10.20. मार्वेल लिमिटेड यूजेज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस. एनुअल कंजम्पशन 60,000 टन्स ओवर 50 वीक्स वर्किंग. इट कॉस्ट 100 टू इनिशिएट एंड प्रोसेस एन ऑर्डर एंड डिलीवरी फॉलो 2 वीक्स लेटर. स्टोरेज कॉस्ट फॉर दिस सॉल्ट आर एस्टिमेटेड एट 10 पर टन पर एनम. द करेंट प्रैक्टिस is to order twice a year when the stock falls 10,000. Identify an appropriate order policy, Marvel Limited, and contrast it with the cost of the current policy. It means, आपको decision लेना है कि current policy बराबर है या proposed policy बराबर है, बराबर? It means, this is your statement showing टोटल कॉस्ट. स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, दिस इज प्रेजेंट, सॉरी, दिस इज एज पर ईओक्यू एंड एच पर प्रेजेंट, दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट
then carrying cost, and then total. सही आंसर ना फ्रेंड्स. तो ईओ क्यू, दिस इज रेफर नोट नंबर वन. ईओ क्यू टू ए ओ डिवाइडेड बाय सी टू. व्हाट इज ए? ए इज 60,000. ए इज 60,000. व्हाट इज ओ? ओ इज ऑर्डरिंग कॉस्ट 100. ऑर्डरिंग कॉस्ट. मार्वेल लिमिटेड यूजेज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस. एनुअल कंजम्पशन 60,000 टन्स. ये आपका एनुअल कंजम्पशन आ गया 60,000 टन्स. ए 60,000 टन्स. देन बोल रहे हैं एनुअल कंजम्पशन 50 वीक्स. इट कॉस्ट 100 टू इनिशिएट ए ऑर्डर. ओ फॉर ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 रुपीज हो गया. एंड सॉल्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट आपका आएगा 0.10 पर एनम पर टन. 0.10 पर एनम पर टन. इट मीन्स 0.10. इज दिस क्लियर ऑन आवर फ्रेंड? ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है बराबर. आइडेंटिफाई एन एप्रोप्रिएट ऑर्डरिंग पॉलिसी फॉर मार्वेल लिमिटेड एंड कॉन्ट्रास्ट इट विद द कॉस्ट ऑफ करेंट पॉलिसी. इट मीन्स प्रेजेंट. प्रेजेंट मीन्स करेंट पॉलिसी आपका क्या है कि उसके हिसाब से क्या कॉस्ट है. तो हमारे ईओ क्यू के हिसाब से, ईओ क्यू के हिसाब से क्या रहेगा? ईओ क्यू टू ए ओ डिवाइडेड बाई सी. ये आपका हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, सो टोटल ईओ क्यू में आपका आएगा, इट मीन्स 60,000 इंटू टू इंटू टेन डिवाइडेड बाई 0.10 एंड दिस कम्स टू 36 टोटल. दिस इज योर 100 रुपीज ना फ्रेंड्स. 2 इंटू 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.10 एंड दिस कम्स टू 10,954. EOQ में बोलता है कि 10,954 आपका क्या होना चाहिए? ऑर्डर साइज 10,954. आपका ऑर्डर साइज क्या होना चाहिए? 10,954. इसका मतलब 60,000, इसका मतलब आपका ऑर्डर साइज होना चाहिए 10,954. दिस इज योर ऑर्डर साइज 10,954. तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? 60,000 डिवाइडेड बाय 10,954 इंटू, एक ऑर्डर का कॉस्ट है 100 रुपीज. इट मीन्स 60,000 डिवाइडेड बाय 10,954 इंटू 100 इज 547.7 प्लस कैरिंग कॉस्ट हाफ ऑफ 10,954 इंटू 0.10. 10,954 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.10 एंड दिस कम्स टू 547.7. इसका मतलब ईओ क्यू में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट एग्जैक्टली इक्वल टू रहेगा हमारा कैरिंग कॉस्ट. 547.7 इंटू 2 एंड दिस कम्स टू 10,095.4. ये क्लियर हुआ क्या? नहीं फ्रेंड, इसमें आपका दोनों में क्या रहेगा? इट्स ए सेम. दोनों में आपका क्या रहेगा बोलो? सेम. ये 2AO डिवाइडेड बाई सी करके अपन ने ये निकाल दिया क्वांटिटी और इसका वैल्यू ले लिया. सही है सोनो फ्रेंड्स? परफेक्टली क्लियर? सही है सोनो फ्रेंड्स? बोलो प्रॉपर. लेकिन हाँ, प्रेजेंट में क्या बोल रहा है वो देखो. प्रेजेंट में क्या बोल रहे हैं?
स्टोरेज कॉस्ट फॉर दिस साल्ट आर एस्टिमेटेड ड्यू द करेंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस इन ए ईयर. इसका मतलब एट प्रेजेंट ये कितने ऑर्डर प्लेस कर रहा है, दो ऑर्डर प्लेस कर रहा है. बराबर, एक का कॉस्ट कितना है, ऑर्डर प्लेस करने का कॉस्ट है 100, इट मीन्स 200 रुपीज. लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, इन ऑर्डरिंग कॉस्ट, इन कैरिंग कॉस्ट. हाउ टू कैलकुलेट द कैरिंग कॉस्ट एज पर करेंट पॉलिसी. इसका मतलब 60,000 आपका एनुअल कंजम्पशन है और दो ऑर्डर आप पूरे साल में देते हो, तो आपको 30,000 आपका क्या हो गया, दिस इज योर ऑर्डर साइज. तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि 30,000 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका क्या हो गया 15,000. 15,000 का इनटू अपन क्या कर देंगे, कैरिंग कॉस्ट. व्हाट इज द कैरिंग कॉस्ट, इज 0.10. लेकिन इसके अलावा इन्होंने और एक पॉइंट डाल दिया है, इसके अलावा इन्होंने एक पॉइंट और डाल दिया है. द करेंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस ए ईयर व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000 टन्स. इसका मतलब थ्रू आउट द ईयर आपका स्टार्टिंग में आपने 30,000 लिया, एंड में आपका जीरो हो जाएगा 2. लेकिन ये क्या बोल रहा है कि कभी भी आपका ऑर्डर 10,000 से कम होते ही आपको ऑर्डर प्लेस करना है. बराबर, तो 10,000 आपके पास है. बराबर, माइनस अब एक ये जो भी अगर आप प्लेस करोगे उसके 2 वीक्स के बाद आपको मिलेगा, उसके बाद 2 वीक्स के बाद आपको मिलेगा, है ना. इसका मतलब 2 वीक्स में आप कितना कंज्यूम्ड कर लोगे, 60,000 डिवाइडेड बाई 50. इसका मतलब हर वीक का आपका कंजम्पशन कितना है, 60,000 डिवाइडेड बाई 50, दिस कम्स टू 1200. इसका मतलब इंटू टू आपका हर वीक का कंजम्पशन कितना है, आपका हर वीक का कंजम्पशन है, देखो 10,000 है ना, आपका हर वीक का कंजम्पशन है 60,000 डिवाइडेड बाई 50, आपका हर वीक का कंजम्पशन है 1200. और ये बोलता है 2 वीक के बाद मिलेगा, इसका मतलब 1200 इंटू टू इट मीन्स 10,000 माइनस 2400, 7,600 का आपको एडिशनल स्टॉक आपके पास हमेशा बना रहेगा. इसमें एक नया पॉइंट और इन्होंने डाल दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द करेंट प्रैक्टिस इज टू ऑर्डर ट्वाइस ए ईयर व्हेन द स्टॉक फॉल्स टू 10,000. आपका 10,000 से कम होता ही आपको ऑर्डर प्लेस करना है, आपके ऑर्डर प्लेस किया 10,000 से कम होने पे, ये ऑर्डर आपको मिलेगा 2 वीक के बाद. इसका मतलब 2 वीक का और आपने कंज्यूम कर लिया, तो 7,600 का स्टॉक तो हमेशा आपके पास रहेगा. तो यहाँ पे ये ओपनिंग प्लस क्लोजिंग वाला फंडा नहीं चलेगा, यहाँ पे ये आपका है प्लस 7,600 भी आपको लेना पड़ेगा इनटू 0.10. तो आपका कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा 1500 प्लस 760 इज 2260 रिफर स्टार मार्क करके मैं दे देता हूँ यहाँ पे स्टार मार्क. ओके, तो आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 2260 प्लस 200 इज 2460. ये वाला पॉइंट क्लियर, मीन्स 10,000 से कम होते ही, 10,000 से कम होते ही आपको स्टॉक करना है. इसका मतलब ये तो आपको कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा एक्स्ट्रा. यहाँ पे जीरो होने के ये अजम्पशन में क्या है कि जीरो होने के बाद आपको ऑर्डर देना है. यहाँ पे ये बोला नहीं, 10,000 से कम होते ही आपको ऑर्डर करना है. तो 10,000 और 2 वीक के बाद आपको मिलेगा, तो 7,600 तो कॉन्स्टेंट आपके पास स्टॉक रहेगा ही रहेगा, उससे कम नहीं हो सकता है स्टॉक. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नोट. तो 7,600 पे भी कैरिंग कॉस्ट लगेगा प्लस एवरेज इन्वेंट्री पे भी लगेगा, तो आपका ये कॉस्ट आ गया. तो पहले आपका कॉस्ट आ रहा था 2460, अब आ रहा है 1095. इसका मतलब एडवाइस द रिकमेंडेड पॉलिसी शुड बी एडोप्टेड, इट मीन्स ये पॉलिसी हमको एडोप्ट करना चाहिए.
adopted as a cost are less than the current policy. Current policy का cost कितना है 2460 और अब हमारा cost कितना है 1095. It means 2460 minus 1095.4 हमारा saving हो जाएगा 1364.6 और you can say 1365. This is clear or not? ये वाला point आपको बराबर से ध्यान रखना है. मतलब average inventory के साथ साथ 10,000 से नीचे होते ही, 10,000 के नीचे होते ही हमको order place करना है, तो उतना constant stock और रखना है आपको. यहाँ पे assumption क्या है कि zero होते ही आपको order place करना है, यहाँ पे वैसा नहीं है. ओके, इतना आप करिए, आपका काम हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच. ये आपका यूनिट कंप्लीट हो जाता है. इसमें तीन ही इलस्ट्रेशन थे, मैंने तीनों इलस्ट्रेशन आपके कंप्लीट कर दिए हैं एंड इट्स मोर देन एनफ फॉर योर एग्जाम. अगर फिर भी आपको डिटेल चाहिए तो फिर आपको हमारा कॉस्टिंग का मटेरियल टॉपिक कराना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ क्रैश कोर्स रिकॉर्डिंग, तो इतना आपके लिए बहुत है. थैंक यू.